मैं मॉर्निंग में ही जल्दी उठ गई थी, तो सोचा कि जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। खाना वगैरह सब बना दिया था। और यहाँ पे है ना, ये ना सारे में ही गंद करती रहती है, और आप लोग प्लीज़ मेरी आवाज़ से समझ सकते हो कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। फिर भी मैं आप लोगों को डेली व्लॉग्स देने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग मुझे ना मेरी वीडियोस को ज़्यादा देख नहीं रहे हो, ज़्यादा मुझे लग रहा है ऐसा कि पसंद नहीं कर रहे हो। वो मुझे नहीं पता किस लिए और क्यों। प्लीज़ आप लोगों का मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। आप लोग अपना सपोर्ट दोगे तभी मैं आगे तक बढ़ पाऊँगी। और यहाँ पर मैं पूरे घर को झाड़ू लगा रही थी, और ये साथ ही साथ ना मेरे ऐसे ही घूमती रहेगी। जहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी तो वहाँ आ जाएगी, पीछे 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 ऐसे ही हमेशा करती रहती है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, कि पूरे घर का मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका था। यहाँ पर मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग गई है। और यहाँ पर ना बार बार अपनी अपनी एक तरफ की बद्दी उतार लेती है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ना, हस्बैंड ने मतलब घी निकाला हुआ था, तो मैंने इसको डब्बे में स्टोर नहीं किया था। मैं सोची थी पहले उसे धोऊंगी, उसके बाद में ही रखूंगी। यहाँ मैंने बनाया था अपने लिए मैंगो शेक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पिंकी व्लॉग्स 83 में आप सभी का स्वागत है। और जस्ट अभी मैं बाहर आकर अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है जो कि मैंने उसको अभी अंदर सुलाया है। और पूरा घर का काम मेरा फिनिश हो चुका है, और आज मैं अपना ब्लॉग भी कुछ लेट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर के काम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और अभी जस्ट मैंने कपड़े वगैरह भी डाले हैं सूखने के लिए, तो वो सूखने में लगे हुए हैं। और बस मैंगो शेक वगैरह मैंने बनाया था, वो भी मैंने फिनिश कर दिया है। और आप लोगों ने कल का मेरा कालकजी वाला ब्लॉग जो देखा होगा, तो बस गए थे हम लोग जब मेरी बेटी की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो बस मैंने मेरे मन से आया कि मतलब मैंने बोल रखा था उस टाइम पे ही बोल दिया था कि मैं आऊँगी अगर मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी तो इस वजह से मैं गई थी। और बस माता रानी अपना आशीर्वाद मेरी बेटी पे बनाए रखे। तो मतलब एक कमेंट ऐसा आया था इंस्टाग्राम पे, मैंने ना रिसेंटली कोई वीडियो शेयर की है, नानी के घर से रिलेटेड कोई वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने पता नहीं किस रीज़न से बोला ये चीज़ या किस रीज़न से नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन बट वो उस वीडियो में ये कमेंट किया गया हुआ है कि ऐसा वेलकम तो मैंने भी अपनी दरानी की बेटी का किया था, तो उसमें मैंने कोई गलत लिखा नहीं है और कोई गलत मतलब मेरा रीज़न नहीं था। हाँ, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करा, और उसमें ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मतलब अपने फैमिली में मतलब मम्मी के यहाँ पे मैं गई थी, तो जैसा ससुराल में होता है तो वो देखते हैं कि बेबी का मतलब देखते हैं कि बच्चा आने वाला है हमारे घर, लेकिन जो एक मई का होता है, एक माँ का घर होता है, तो वहाँ पर वो अपनी बेटी का भी वेट करते हैं, और दूसरा साथ में जो बच्चा हुआ है उसका भी, कि हमारा नाती होता है जो भी होता है कि वो आ रहे हैं। तो बस ये था और कोई रीज़न नहीं था। वेलकम अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मेरे वीडियोस में जाके ज़रूर देखना। वेलकम मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा किया था, और मम्मी के यहाँ की वो जो वीडियो थी जो आप लोग कमेंट किया है आपने, बाकी होपली कि आपको इस कमेंट का भी रिप्लाई मिल गया होगा। और मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मतलब ऐसे आप बोल रहे हो, मेरा कोई गलत वे में नहीं था, मैंने अच्छे माइंड से लिखा था। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियोस कैसे लगते हैं और कैसे नहीं लगते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ब्लॉग वीडियो शेयर करो ताकि मेरा चैनल आगे तक जाए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को भी प्लीज़ जाकर जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी मुझे दोनों साइड पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा नीड है। बस आप लोगों के मुझे सपोर्ट और प्यार की बहुत 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 ज़्यादा नीड है। और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है 2-3 दिन से, बहुत ज़्यादा। बाकी जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और तो और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और एक तो मेरे फेस में ये दाना हो गया है ये वाला, तो बेकार लग रहा है फेस मेरा। पहले एक हुआ था मतलब इस साइड पे, तो वो थोड़ा दब गया, मतलब ठीक हो गया अब तो वो, लेकिन बट उसके बाद में ये हो गया, अब तो थोड़ा दब गया ना तो और ज़्यादा पता चलता है रेड रेड, बहुत अजीब लगता है फेस पे, है ना। आप लोग कमेंट करके
बाकी चलो आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैंने सोचा कि ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही लेते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि पूरा दिन निकल गया मेरा काम में ही और मैंने रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जो भी मैंने कपड़े वगैरह धोए थे वो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे और धूप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का दूध निकाला और अपने लिए हलवा भी मैं बना रही थी, जो कि मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली और यहाँ पर बस लास्ट का रह गया था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और यहाँ पर राजमा मैंने शाम के लिए फुलाने के लिए रख दिया कि शाम को बनाऊँगी। और धूप की सच में बात करूँ तो बहुत अच्छी निकल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ही मौसम थोड़ा ऐसा हो गया कि ठंडा ठंडा सा, और मुझे डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए। वही चीज़ हुई कि रात को बारिश हो गई। सो गाइस, मैंने बनाया है हलवा, क्योंकि मेरा हलवा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मेरे बेटा भी उठ गया मेरे शोर से भी उठ गया शोर से मम्मा की, खटर पटर से उठ गया मैं मम्मा आपकी। हाँ, आज मैंने गाइस देखो सूट पहना है, मेरी मम्मा ने बहुत दिन बाद निकाल के दिया है। मैं जल्दी से पहले हलवा खाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी। मम्मा ने मेरी नींद खराब कर दी। चलो गाइस, पहले हलवा जल्दी से निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। अभी अभी मैंने जस्ट पूजा किया और बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है, तो पहले आप दर्शन कर लो। एक तरफ मेरा खाना बन रहा था, साथ ही साथ मैंने पूजा भी कर ली। और यहाँ पर ना इसको लग गई थी तो ये अंदर आ गई। और बारिश की अगर मैं बात करूँ, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। आप लोग देख ही सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। गाइस, आप लोगों को ना यहाँ से पता चल रहा होगा कि कितनी तेज बारिश हो रही है और ना साथ ही साथ बादल भी बहुत तेज गरज रहे हैं, बहुत तेज। देखो कैसे ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है। बहुत तेज गरज रहे थे बादल, बहुत तेज तेज। बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। और यहाँ पर मेरे एक तरफ राजमा और एक तरफ चावल बन रहे थे। और यहाँ पर सुबह के लिए मैंने भिंडी भी धोकर रख दी थी ताकि मैं काट के बना दूँ। और काम भी मेरा सारा ऑलमोस्ट हो चुका है। hours later. बारिश थमने के बाद हम लोग गए थे दवाई लाने इसके लिए, क्योंकि ना इसकी तबीयत थोड़ी सी मतलब ऐसी ही चल रही है, ढीली ढीली सी। और अभी भी इसकी तबीयत खराब हो रही है, हल्का हल्का फीवर आया हुआ है। बस मुझे ना यही समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से इसकी इतनी तबीयत बिगड़ती जा रही है, या मौसम की वजह से या पता नहीं किस वजह से। और मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत हो रही है अभी तो। बाकी आप लोग प्रे करना मेरी बेटी के लिए। और आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को शेयर कर देना अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए।